ओके हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए नवेले एपिसोड 575 आउंसेस में। और अगर मेरी तरह आपको भी विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं कि कोई लाइव क्रिकेट नहीं है टीवी में, तो उसका उपाय मैं आपको बता सकता हूं। मैं बाबा क्रिकेट जो है हमारे, उनके पास गया था, उन्होंने एक दवाई दी है, वो ये है कि आप ये जर्सी पहने इंडिया की, तो थोड़ा सा विड्रॉल सिम्टम्स कम हो जाएंगे आपके क्रिकेट के। तो मैंने तो ये किया है, मेरे बाकी तीन दोस्त मेरे साथ है, सिद्धार्थ एने है, जेमी ऑल्टर है और अर्जुन पंडित है, और हम सब एज गुड बॉयज हमने एक चीज फॉलो करी है, वो ये हम मोदी जी को सुन रहे हैं और सब घर पे बैठे हैं। जनता कर्फ्यू हैज बीन एक्सटेंडेड, तो आज का शो आ रहा है सबके अपने अपने घर से बाय दिस न्यू एज। ये तो आपकी कैसी प्लेट है, ये आवाज नहीं आई। टन टन करना है अपने को, क्या है कहां से? हाँ, टन टन का चम्मच क्या है ये देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं सब तैयार हूँ। चलिए तो शुरुआत हम करते हैं कि क्या किया। जैसे मैंने तो भाई इंडिया जर्सी पहन रहा हूँ, मैं धोई नहीं है चार दिन से लगातार पहन रहा हूँ, एक ही है मेरे पास। तो आप लोगों ने क्या किया भाई? जेमी, आप क्या कर रहे थे इस दौरान? देखिए, मैं तो चार दिन से जो है घर से बाहर नहीं निकला हूँ, बट बोर बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि इतने चीजें हैं। एक तो यूट्यूब है और बुक्स पढ़ रहा हूँ। मैंने अपने बचपन के कुछ स्केचेस निकाले, उनको मैंने कॉपी किया। मेरा बेटा है 5 साल का, अभी जरूर इस फ्रेम में आएगा। उनके जो स्कूल है, अगर आप हमारे टीचर सुन रहे हैं तो थोड़ा रहम करिए, इतना होमवर्क मत दो हमें, क्योंकि जो आधी होमवर्क जो है वो हम पेरेंट्स करते हैं। खैर, बट हाँ, जस्ट ट्राइंग टू स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, स्टे सेन एज वेल। आप लोग बताइए अर्जुन, अपार्ट फ्रॉम घंटा बजाने के आपने क्या किया है? जनाब, मैं सही में बोर हो गया हूँ, बिकॉज मेरे को ना किताब पढ़ने की कभी आदत थी नहीं, और मैं इतना कंटेंट देखता था कि दिमाग में ना भूसा भर गया है, और इतना ज्यादा कंटेंट है। वो नहीं होता है, वो शादियों में जाते हैं, बुफे लग गया है और 10-15 वहाँ पे डिशे हैं, उसके बाद बंदे के दिमाग में आ ही नहीं रहा क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। आफ्टर अ पॉइंट इट्स बीन लाइक, यार व्हाट डू आई डू, आई डोंट वांट टू वॉच एनीथिंग ऑन नेटफ्लिक्स, अमेज़न और एनीथिंग। घुमा फिरा के गो बैक टू स्टार स्पोर्ट्स, सोनी 6, और वही वीवो आईपीएल काउंटडाउन, वही वीवो आईपीएल लुक बैक, वही बीबीएल। आपने पुराने शो तो नहीं देखते, स्टार स्पोर्ट्स और सोनी कुछ जो रिकॉर्डेड चलते रहते हो? सर, बीबीएल रिवाइंड किसी को देखना है, बीबीएल के सारे टॉप 10 आपको मैं दिखा रहा हूं वहां पे, पैसे अच्छे मिले। लेकिन अब मैं भी तंग आ गया हूं वहां से देख-देख के, बट सो इन अ सेंस यू नो, इट टेल्स यू, आप कह रहे थे ना विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स बहुत बुरे होते हैं यार। स्पोर्ट्स नहीं हो सामने भाई, अब जो कदर है इन स्पोर्ट्स चैनल्स की अब पता चल रही है। मैं तो एक्चुअली, हालांकि ये क्रिकेट का शो है, सबसे ज्यादा वीकेंड फुटबॉल मिस कर रहा हूँ, उसके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा है। मतलब यू नो, आदत सी पड़ गई थी, रात को सोना नहीं है, कोई क्लब फुटबॉल चल रहा होता था, चैंपियंस लीग चल रहा होता था, बहुत डिप्रेशन है। चलिए, एक अब शख्स है जो मुझे पक्का पता है, उन्होंने घंटी तो नहीं बजाई होगी है ना, अगर जो बोला गया होगा उसका ऑपोजिट ही किया होगा उन्होंने। तो क्या कर रहे हैं आप सिद्धांत जी? आवाज चली गई आपकी, आवाज नहीं आ रही है, आप वो निकाल दें। वो मेरी आवाज चली गई है ऐसा कैसे? आगे कह रहा था, कल 5 बजे जब जनता कर्फ्यू एट इट्स पीक था, जब ये टिंग 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 शुरू हुआ था, तब अर्जुन पंडित और मैं, अर्जुन इसी लोकेशन में बैठे हुए थे अपनी छत पे, और हम थोड़ा रिकॉर्ड कर रहे थे 420 ग्राम का एक बढ़िया एपिसोड, जो आई थिंक आजकल बिकॉज सब लोग घर पे बैठे हैं, हमारी ऑडियंस काफी बढ़ गई है बाय द वे। तो मैं तो यस सर, यस सर, मैं तो काफी खुश हूँ इस सिचुएशन से। ऑफकोर्स ज्यादा मजाक नहीं आना चाहिए, बिकॉज सीरियस है, यू नो, वे एट द फेज वेयर आई थिंक जो नंबर्स हैं वायरस इन्फेक्टेड, वो इट्स दैट कर्व इज अबाउट टू किक ऑफ। So while it's not a joke, we are doing the only thing we can. हाँ, अच्छी बातें कर रहे हैं यार आप, अच्छी चीजें होता है। बिल्कुल, तो वही सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा लिखने का कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत खाना बना रहे हैं, घर को रीअरेंज कर रहे हैं, पेपर वर्क शक्ल पे दिख रहा है, पेपर वर्क जो पेंडिंग था काफी क्या सालों से, एक दो साल हो गए, तो उसको थोड़ा निपटा रहे हैं। And then chilling, I'm actually very fortunate, I live with my family, we have a decent sized, I mean it's in the middle of nowhere, but at least there's outdoor space where we can get out, run a bit, do some exercise, kick a ball around against a wall, so basic stuff man.
Yeah, before this conversation goes any further, just want to tell everyone who's watching right now, and also for Mr. Naz and Mr. Alter, jinke itne chahete followers hain Instagram or Twitter pe, aur jo unke ek ishare pe apna kuch bhi kar lenge. Ye un logon ke liye sir, agar aapko kuch bhi notification chahiye news click sports upar aata hai. Nahi sir, news click ne apna Instagram page khol diya hai. It's called news click sports. Yeah, so which is an intimation for all of you who want to find anything on 420 grams, on 575 ounces, or any other sports that NewsClick is producing. Just go on the Instagram page, follow that handle, and you'll get to know when our new episodes are coming. So, ek darkhwast hai Mr. Naz aur Mr. Alter se, ki aap log apne followers ko bhi ye zara ek intimation dijiyega ki ek naya humne handle khola hai, aur usko please jaake follow karein. ठीक है चलिए अब ये बताएं कि भाई क्रिकेट तो नहीं हो रहा क्योंकि क्रिकेट का शो है तो कौन सी क्रिकेट की न्यूज ने आपको बिजी रखा है कुछ तो फॉलो कर रहे होंगे अपार्ट फ्रॉम द न्यूज ऑफ अब आएगा एक इंडियन कोच आईएसएल में उसके अलावा क्या क्या फॉलो कर रहे हैं भाई अर्जुन एंड सिद्धांत सर मेरे को तो नहीं लगता आई एग्री विद यू नो आई डोंट थिंक आईपीएल होने वाला है 100% बिल्कुल नहीं लग रहा कि अब आईपीएल होने वाला है अब तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने तो उस टाइम बोल ही दिया है लेकिन अब जो आसार लग रहे हैं मेरे हिसाब से 15th अप्रैल तो क्या आप 1st मई भी लगा लो 15th मई भी लगा लो उसके बाद भी नहीं होने वाला अब तो ऑफ कोर्स आपके वो इंटरनेशनल बोर्ड्स ने भी बोल दिया है कि वी वोंट लेट आवर प्लेयर्स गो अब तो वो वाला सिस्टम भी नहीं है कि इट्स अपॉन द प्लेयर लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू अब तो उन पे लागू कर दिया है हैंड्स डाउन कि आपको नहीं जाने देंगे तो अभी भी आई थिंक द आई थिंक इनफैक्ट लाइक इंटरनेशनल फ्लाइट्स इन एंड आउट ऑफ इंडिया हैव बीन सस्पेंडेड एंड आई थिंक देयर इज आल्सो There's a recent news break saying ki domestic flights bhi jo hain, I think Tuesday 12 raat ko, Wednesday morning basically, midnight Tuesday, Wednesday, uske baad koi domestic flights bhi nahi hongi kuch dino ke liye. Toh, I mean, like, it's, I think about time the IPL Governing Council and the BCCI and everyone also got on the same page with the rest of the world and... Kind of, and the Olympic Games, I'm shocked that those guys are still like slacking and saying ki hum baad mein decision denge. Kya baad mein decision denge? Mujhe samajh nahi aa raha. Every country in the world is now. IOC keh raha hai baad mein lenge, but abhi Shinzo Abe ki statement aayi hai. Main dekh raha tha Japanese Prime Minister ki unhone kaha hai, ho hi nahi sakta. It's not possible in this situation. Mein. So I think IOC kuch bhi chahe, they'll have to rethink. Anyway, Jamie, in fact, unrelated, but. A joint Air Force exercise that was being planned between the Air Forces of Japan and India. It's probably a multinational exercise, but to be held out of Japan with refueling in other places and stuff like that. So I think even those things are, I mean, if the military is cutting down on its drills and exercises and multilateral operations, I think that's a fairly good indication of what the rest of us should be doing because at least those guys pay attention to looking after their own people. बिल्कुल नहीं देखिए क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं और ये शो हमारे हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए है वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देखिए अगर आप चाइना की बात करें सिर्फ वुहान प्रोविंस में ही इनको लगे तकरीबन 3 महीने लॉकडाउन यहाँ हम इंडिया की बात कर रहे हैं जो कि अफसोस की बात है पर हमारी सरकार थोड़ी इस बात को लेट समझी कि कितना क्रिटिकल ये है अब सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है But I'm saying, forget April 15th. We may be sitting here till June 15th, July 15th. We really do not know. हमें से कोई expert तो नहीं है, पर जो हम विश्व के जो experts हैं, medical experts, healthcare experts, scientists, जो भी हमारे पास information आ रही है, लग रहा है कि कम से कम जो है 2 महीने के लिए कुछ नहीं होने वाला है. I don't mean to scare people away. Like I said, हम लोग expert नहीं है, but people should understand कि ये जो कर रहे हैं हम लोग, this is the new normal. और जितने ही जल्दी हम इसको अपना ले के भाई जिंदगी है इसी पेस इसी गति पे चलने वाली है आई होप लोग सावधान रह रहे हैं सेफ रह रहे हैं सरकार प्राइम मिनिस्टर जी जो भी कह रहे हैं प्लीज उनकी बात सुनिए पिछले 24 घंटे में जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे कुछ फेक कुछ असली हैं प्लीज लोग जो है अपने घर से मत निकलिए कोई भी बेवकूफी मत करिए आई नो कि अर्जुन वहां अपने घर के छत पे बैठ के कुछ मिनट पहले कह रहे थे कि लोग जो अभी जाके नीचे गार्डन में क्रिकेट खेल रहे हैं उनको जूते मारो उनको फेंटे मारो इनको अंदर लाइए कुछ बोलिए बिकॉज समझदारी जो है यही लोग की अभी फायदेमंद चीज है सर वैसे डिड एनीवन सी दैट गर्ल गोइंग गो कोरोना गो 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 कोरोना गो बिल्कुल आई थिंक बहुत लोगों ने वीडियो देखा अब देखिए क्या सच है क्या नहीं है That's for people to understand. But the main thing जो मैं कह चुका हूँ पहले भी लोगों से यार ये WhatsApp से थोड़ा दूर रहिए
यही वक्त है सेल्फ एनालिसिस का, इंट्रोस्पेक्शन का, कुछ पॉजिटिव चीज करिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचिए। अगर आप क्रिकेट प्रेमी है, यूट्यूब में भरपूर है, कोई भी हो, सचिन, सौरभ, द्रविड, सदगोपन, रमेश, सबकी वीडियो हाइलाइट्स है यूट्यूब पर, जाके देखिए, मन भरिए, दिल भरिए, एंड जस्ट ट्राई एंड स्टे पॉजिटिव यार। वैसे एक चीज बता दूं, हम आईपीएल के बारे में बात कर रहे थे, आई डोंट नो आप लोगों ने पढ़ा है नहीं, अभी स्टेटमेंट आई है ब्रजेश पटेल की, जो कि आईपीएल कमिश्नर है, सबको याद होगा कि मीटिंग होनी थी 24 मार्च को टूरी एफ एस की, अगर 15 तारीख को होगा यानी कल, लेकिन अब ब्रजेश पटेल ने कह दिया है, ये फ्रेश ऑफ द ब्लॉक है ये खबर, उन्होंने कह दिया है वो मीटिंग के बारे में हम सोच ही नहीं रहे, तो इसका मतलब कल वो मीटिंग नहीं होने वाली है, जिसके बाद दे वर सपोज टू स्टार्ट ऑन 15th अप्रैल, तो अगर कल मीटिंग हो ही नहीं रही है तो इसका मतलब है कि 15th अप्रैल की जो अब कट ऑफ है वो तो अब गया। एक आर्टिकल और मैं पढ़ रहा था अभी अभी आया स्पोर्ट्स स्टार में, अगर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, उसमें एक आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर ने भी ये कहा, उसको नाम नहीं दिया है, उन्होंने कहा है कि इस वक्त आईपीएल इज द लास्ट थिंग ऑन आर माइंड, तो अब ओनर भी कोई प्रेशर किसी तरह का नहीं डाल रहे, तो आई थिंक 15th अप्रैल तो गया, अब मुश्किल ही है कि आईपीएल इस साल हो पाएगा, क्योंकि फिर वो विंडो चलेगी, इंग्लिश प्रीमियर लीग ने तो पहले ही कह दिया अर्लीस्ट वी कैन स्टार्ट इज जून, अगर आप वही एक पैरामीटर लेके चलें तो जून में तो आईपीएल स्टार्ट हो ही नहीं सकती, इंटरनेशनल कैलेंडर ही। भाई सर, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि अगर आप ये मान के चलो, अब देखो हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली नो वन नोज हाउ थिंग्स आर गोना प्ले आउट बाय द डे, नॉट इवन बाय द वीक, बाय द डे हम लोग कह लें, अगर आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलो, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जहाँ जून टू सितंबर कैन बी अ विंडो, या यू ट्रंकेट द आईपीएल, डोंट ब्रिंग एनी फॉरेन प्लेयर्स, सिर्फ इंडियन प्लेयर्स करो और एक वेन्यू पे करो, ताकि आपका ट्रैवल भी ना रहे, उस हिसाब से नहीं पॉसिबल कि 30 दिन में खत्म करो? नहीं, पहली तो जैसे सिचुएशन के बारे में हम बात करें, दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो जो जून के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप कह रहे ना कि ये एक वो चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक वेन्यू में करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली अगर ट्रांसमिट होना है तो, अब आज तो लोग घर में बैठे वो कह रहे हैं आप तो घर के बाहर ही निकल सकते हो, एक वेन्यू की चीज भी गई, क्योंकि मेनी पीपल आर इन्वॉल्व, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हो, होटल स्टाफ हो, ट्रांसपोर्ट लाने वाले हो। तीसरी चीज आप कह रहे हो विदाउट एनी फॉरेन प्लेयर्स, उसके बारे में तो पहले ही क्रिटिसिज्म आ चुकी है, एक बहुत ही नामी गिरामी बीसीसीआई के मेंबर ने कह दिया है कि वी डोंट वांट टू हैव अनदर सईद मुश्ताक अली टूर्नामेंट, ये तो हम कराने नहीं चाहते, सईद मुश्ताक अली इज द बीसीसीआई डोमेस्टिक टूर्नामेंट जहां पर सारे इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं। हालांकि गावस्कर ने उसकी आलोचना की अपने कॉलम में, गावस्कर ने लिखा कि हाउ डेयर यू इंसल्ट द ग्रेट मैन सईद मुश्ताक अली, ये कह के कि इंडियन नहीं, बट ये सब आइडियलिस्टिक चीजें हैं, आप उसका क्रिटिसिज्म कर सकते हो, रियलिटी ये है कि आईपीएल नहीं होने विदाउट फॉरेन प्लेयर्स, नहीं तो इट बिकम्स अनदर डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट। आप देखते हैं कि डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हर साल होता है, सईद मुश्ताक अली स्टार स्पोर्ट्स पे भी आता है, पता नहीं उसकी व्यूअरशिप क्या है, आई थिंक यू नो 100 भी नहीं होगी आईपीएल की, सो इट जस्ट डजंट सर्व द पर्पस, तो वो चीज तो हो ही नहीं। जस्ट आई डिफर विद दैट अ लिटिल बिट, बिकॉज़ द डिफरेंस इज दैट द टीम्स इन्वॉल्वड विल बी द आईपीएल टीम्स एंड द फैंस आर फॉर व्हाट इट्स वर्थ they are associated with their respective clubs, whether it's Chennai or whatever it is. But marginal also, difference, of course, marginal difference. That I agree with. But the players who will be playing the IPL, all of those players, for example, the India players, I don't think all of them play the Sayed Mustaq Ali Trophy and other. That is what I'm saying. State loyalty within people is more than IPL loyalty in that sense. However, IPL is more popular, या लोग इसलिए देखते हैं because stars are there. तो आप वो देखते हो. ये नहीं है कि अगर एक cricket fan है, उसकी loyalty कर्नाटका, पंजाब, जो ये टीमें उनके साथ भी बहुत है. Just that, वहाँ star quotient नहीं है कुछ, तो वो नहीं देखते सईद मुश्ताक अली. आप सही कह रहे हो कि थोड़े Indian players खेलेंगे, but जब तक वो foreign flavor नहीं आएगा, top players नहीं खेलेंगे, I think it may not be the same thing. No, I agree. It definitely won't be the same. And but the realistic thing, like we were talking, the realistic thing to do now is to plan B's in place, right? To assume that, let's plan say for B the next 6 months to 1 year, the movement of people will become more and more challenging, right? So in given that scenario, is situation mein ab hum hain ki agle 6 mahine se 1 saal agar nahi log travel kar sakte hain vast distances or any of that, to fir kya best option rahega, plan B kya aayega hamara, because something ab, better than nothing. IPL matlab na ho, ek bar na ho wo to theek hai, it's a talking point, charcha karne layak vishay hai hum sab ke liye, it gives us a lot of fodder also as journalists, as commentators,
बट साल दर साल अगर बहुत कैंसिल बहुत होने लगे बहुत तो सारे दिक्कत हो जाएगी लोगों काफी की, लोगों को। लाइक लाइक विथ एनी कमर्शियल स्पोर्ट्स लीग, बहुत सारे लोगों की जॉब इस पे डिपेंडेंट है. एक तरफ है आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, चैनल्स, वो सब छोड़ो, बट द अमाउंट ऑफ पीपल जो प्रोडक्शन क्रूज में हैं, जो स्टाफ हैं, जो फ्लोर मैनेजर्स हैं, मतलब अनगिनत लोग हैं, इनके बारे में नॉट ऑल ऑफ देम आर गोना हैव बैकअप ऑप्शंस. क्योंकि जैसे आप जानते हैं आईपीएल में आपको इतना अच्छे पैसे मिलते हैं उस 3 महीने के विंडो में कि आप आगे प्लान कर सकते हो उस बेस पे. अब वो नहीं हो रहा है, तो यू हैव टू रियली गेट डाउन टू द माइक्रो लेवल एंड सी कि कितने कितने लोगों पर इम्पैक्ट हुआ है. दूसरी बात है, देखो रिसेशन, फाइनेंशियल रिसेशन आने वाला है, उसको इतना पुश किया ये कोरोना वायरस ने कि अभी नुकसान जो है बहुत. अगेन आई डोंट वांट टू साउंड टू मोरोस हियर, बट आई एम सेइंग स्पोर्ट्स अभी बहुत लोग के लिए प्रायोरिटी बिल्कुल है नहीं. अभी हेल्थ केयर, गेटिंग पीपल बैक टू यू नो टू स्पीड नॉर्मल डे लाइफ, पहले गवर्नमेंट जो है, सरकार जो, ये इस पे फोकस करेंगे, फिर आएंगे आपके आईपीएल फ्रेंचाइजेस, आईएसएल फ्रेंचाइजेस वगैरह वगैरह. इट्स रियली क्रूशियल, ये बहुत ही खौफनाक एक टाइम है. और अब जो है भारत को एहसास हो रहा है कि हम किस किस गति से चलेगी लाइफ हमारी अभी यहाँ पे. निखिल आप कुछ कहना चाह रहे थे, सॉरी बीच में. Can you guys hear me? Yeah, we can hear you. We can जी hear जी you. बिल्कुल बिल्कुल. But now we can't. Now we can't. नहीं अभी गई ऑडियो. Can't hear you, bro. Nope. नहीं. ये है कोरोना वायरस स्पेशल कि बीच बीच में ऑडियो भी चला जाता है. तो क्या करें, बीच में इसको हम एडिट करके डालेंगे या नहीं? नहीं भाई, लेट इट बी लाइक दिस. चलिए हम सब ग्रेव सब ग्रेव टाइम्स. निखिल इज हियर टू जस्ट लुक प्रीटी देन. लुक आई थिंक मोमेंटरी व्हाइल निखिल जेमी व्हाइल निखिल इज ऑफ कोर्स ट्राइंग टू फिक्स हिज ऑडियो, बिकॉज मैंने निखिल जी 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 एक बार ही स्टूडियो में भी शो किया था इससे पहले ऑन द आईपीएल. करेक्ट. सो आई एम सेइंग जस्ट पुट योरसेल्फ इन द हॉट सीट सिंस यू आर एक्चुअली सिटिंग इन वन. And put yourself in the seat of the franchise owners or the broadcasters. So would they rather go with no IPL or would they go with the truncated IPL, no foreign players, but thoda bahut to match ho, kuch to ho. Dekhi, agar aap Nikhil abhi baat kar rahe the state loyalty, wo ek hota hai nazariya sports fans se. IPL mein kya hai, wo jo fan base hai, wo traditional sports fans se kahin hatke hai. IPL ki khasiyat ye hai ki ek different level, main keh raha hu housewives, children, you know, it's a big audience. वो लोग जो है वो लोग ये रणजी वनजी नहीं देखेंगे, उनको देखना है आईपीएल. और हाँ, एम एस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, ये सुपरस्टार्स हैं इंडियन. पर जो एक एक ऑरा है क्रिस गेल का, यू नो, एक टाइम पे माइकल हसी, चेन्नई सुपर किंग्स, इनके बड़े फैन थे, यू नो, गेल, हु वी टॉकिंग अबाउट, एबी डिविलियर्स, इन लोग जब ये लोग नहीं है, हाँ इंडियन सुपरस्टार एक हद तक फैंस को लाएंगे. But no IPL is complete जब तक ये क्रिस गेल, डिविलियर्स, डेल स्टेन, डेरन सैमी जो भी है, ये लोग हैं. तो ट्रंकेटेड मेरे हिसाब से ज्यादा फिजिबल नहीं है. हालांकि जैसे मैं कोई IPL फैन का ओनर नहीं हूं, मैं दूर हूं वहां से, पर आई रियली डोंट सी अ ट्रंकेटेड IPL ऑन द कार्ड्स. नहीं, आई एम जस्ट सेइंग इट्स नॉट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ना. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस तो है ही नहीं, लेट्स एडमिट इट. बट आई एम सेइंग हाउ डू यू मेक द बेस्ट ऑफ द काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस दैट वी आर लिविंग इन. So keeping that in mind, would you rather not have anything, or would you say, चलो कुछ तो खेले, कुछ तो देखने को मिले? आप अगर आप basically अगर आप IPL governing council के boss होते या जो भी होते, तो आप क्या करते? Essentially that's what he's. देखिए उस हिसाब से मैं तो कोशिश करूंगा कि कुछ हो, पर जब वो अगर वो नहीं चला, right? Broadcaster कह रहे हैं यार यहाँ लोग देखने नहीं आएंगे. I think we're just too far away from getting to a solution right now. Fair enough. But, that's a fair response, yeah, I guess. It's very hard to sports अभी बिल्कुल कहीं से important है नहीं. ये मेरा दुख होता है मुझे ये कहने में, but हाँ. Yeah, Nikhil. Welcome Nikhil's back. Oh, he's gone again. Oh, not. You know, the minute you get rid of your earpiece, what thingy, whatever, your audio goes, brother. Yeah. Team India की jersey अच्छी साबित आ रही है. आगे 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 आगे. अच्छा वो ना, I think there's a problem with that. नहीं, just answering on that, जो आप कह रहे हो ना कि what would the broadcaster like? Will it like a truncated? I don't think कि broadcaster truncated चाहेगा. बताऊँ क्यों? अगर IPL नहीं होता, in a way, ब्रॉडकास्टर के बहुत पैसे बच जाते हैं. जो एक साल का पूरा पैसा है, ऑल बेट्स आर ऑफ इट इफ इट डजंट हैपन बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल रीजंस, तो दे विल प्रेफर दैट. अगर आप एक ऐसा आईपीएल करते हो जहां फॉरेन स्टार्स नहीं आएंगे, चाहे उससे पॉपुलैरिटी कितनी कम हो, दैट इज अ डिफरेंट डिग्री, बट कम तो होगी. कैन दे रिकवर? अ ब्रॉडकास्टर जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है विद फुल स्टार
यू नो पावर इन प्लेस, फुल सेट ऑफ आईपीएल में पैसे रिकवर करने, अगर उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी भी कम होती है, उसका मार्जिन थोड़ा भी कम होता है, लॉसेस बढ़ते हैं. इसमें तो इट्स इन अ वे गुड कि अगर पूरा नहीं होता तो आपको ये वाला साल का जितना पैसा आपने बीसीसीआई को देना है वो आप ले लोगे. लॉस इस वक्त सिर्फ बीसीसीआई का है, आईपीएल टीम्स का है, प्लेयर्स का है, ब्रॉडकास्टर का नहीं है. ब्रॉडकास्टर का लॉस तब आएगा अगर आप किसी भी तरह का आईपीएल करते हो, चाहे ट्रंकेटेड या विदाउट क्यू प्लेयर्स या लिमिटेड प्लेयर्स, उससे उनको पैसे भी देने पड़ेंगे और उसमें नुकसान होगा. आई थिंक अ ब्रॉडकास्टर टुडे वुड रादर नॉट वांट एन आईपीएल. और आप जानते हो स्पोर्टिंग एंटिटी चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो या कुछ भी हो, डिपेंड्स ऑन ब्रॉडकास्टर. आज ओलंपिक की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि एनबीसी पैसा देगा या नहीं, बाकी चीजें बाद में देख रहे हैं वो. एनबीसी पैसा नहीं देगा तो ओलंपिक्स कांट हैपन. सिमिलरली आईपीएल इज रिलेटेड टू अ ब्रॉडकास्टर, और इस स्टेट में स्टार चाहेगा कि आईपीएल ना ही हो, लेट गो ऑफ दैट वन ईयर, उसके पैसे भी नहीं देने, आप वेट करो, फिर लेट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच नेक्स्ट ईयर जब तक काफी चीजें कंट्रोल. बट देन इन अ सेंस एक पोटेंशियल क्लैश इज ऑन द कार्ड्स, राइट? तो बीसीसीआई विल से चलो कुछ लिहाज से आईपीएल हो ताकि अपना जो पैसा आना है साल का फ्रॉम दिस प्लेस एंड दैट प्लेस वो तो आए. ब्रॉडकास्टर कह रहा है कि हम नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं वुड यू अग्री गाइस कि रीनेगोशिएट ये पक्का क्लॉज में होगा. अगर आप ट्रंकेटेड करते हो और अगर आप स्टार्स कुछ कम है, देन दे गो बैक टू द टेबल अगेन. ब्रॉडकास्टर बोलेगा हम आपको इतने हजार करोड़ साल के दे रहे थे, बट ऑन द बेसिस कि आप ये 50-60 दिन का आईपीएल चल रहा था, सारे स्टार्स खेल रहे थे, आप एक विंडो क्रिएट कर रहे थे, अब ये सब नहीं है तो ऑल बेट्स आर ऑफ, लेट्स स्टार्ट अगेन, रीनेगोशिएट फॉर दिस ईयर, वी गो बैक टू दैट कॉन्ट्रैक्ट लेटर. तो ये चीजें उनको करनी पड़ेंगी अगर ऐसी सिचुएशन आती है. बहरहाल हम जैसे बात करें, डजंट सीम लाइक कई भी किसी भी तरीके से आप देखें, लुक्स वेरी टफ कि हो पाएगा आईपीएल. बाय द वे जेमी, यू गॉट अ फ्रेंड, छोटा सा ये जो इससे पूछो आईपीएल होगा या नहीं, ये भी टीम इंडिया, ये तो सिर्फ विराट कोहली के आगे इनको 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 पता नहीं है कुछ. आइए, वी गॉट टू पीपल वेयरिंग जर्सीज ऑन दिस टीम नाउ. हीज देयर इज हीज गॉट हिज विराट कोहली जर्सी, हीज गॉट हिज बाइक हेलमेट ऑन एंड अ लिटिल क्रिकेट बैट. तो अच्छा, बाय द वे दैट्स अ गुड सेगवे बिकॉज़ यू सेड विराट कोहली राइट नाउ. नाउ इफ यू गाइस रिमेंबर, वन ऑफ आवर वेरी फ्यू फर्स्ट एपिसोड्स दैट वी डिड ऑन 575 वाज ड्यूरिंग द जेएनयू राइट्स, सॉरी द जेएनयू वायलेंस दैट टुक प्लेस. And we were talking about why no one from the cricketing world is coming out in the open and coming and asking for peace. You know, Deepika Padukone went there, stood there in solidarity and so on. So, and you know, there were, all four of us were part of the same conversation. I had maintained that it's a subjective call. कि मेरे को करना है नहीं करना, बिकॉज वो मेरे ऊपर है, मैं क्या खोऊंगा नहीं खोऊंगा. लेकिन अब जो ये कोरोना वायरस का जो द प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दिया था, यूनैनिमसली जेमी आपने इसको फॉलो भी किया है, quite a few cricketers, current and former players have come out in support of the prime minister's speech. बिल्कुल. इसमें अर्जुन देखो, main फर्क जो है, ये एक global pandemic है, ठीक है? वो जो वहाँ हुआ था, ये था politics को लेके. Yeah. Politics इसमें भी है, इसमें भी आएगा आगे. But no point talking about that. ये क्योंकि ये हर भारतीय को affect करता है ये. In hindsight, तीन महीने जो पहले हुआ था, वो काफी मामूली लग रहा है हमें, बहुत लोग के लिए नहीं है. पर यहाँ पे क्या है, दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऐसा करो, वहां पे तो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला भी नहीं, राइट? तो जब प्राइम मिनिस्टर बोले तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री विल फॉल इन लाइन. और मुझे याद है ये 19 तारीख, आज क्या है 22-23, उस दिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था, उसके कुछ ही जल्द लगातार वन बाय वन विराट कोहली से लेकर ऑल द प्लेयर्स स्टार्टेड टू ट्वीट. ट्वीट जो है सबके टेक्स्ट अलग थे, बट लाइक वी हैव सीन बिफोर विद वेरियस इंडियन स्पोर्ट पीपल, इनका टोन जो था वो लगभग एक ही था. बिल्कुल. मैंने फिर जो किया था, एक और व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा स्पोर्ट्स राइटर्स को लेके, मैंने कहा कि देखो दोनों व्हाट्सएप ग्रुप्स को मेमो आ गया है, एक में के है जो करंट प्लेयर्स और दूसरा जो है फॉर्मर प्लेयर्स का, क्योंकि इरफान पठान, हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने चारों वक्त लगभग 20 मिनट के अंदर वही ट्वीट किया था. अगेन इट्स बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि वी मस्ट स्टैंड टुगेदर, हमें एकजुट होना है, एंड दिस इज व्हाई पीपल हैव फॉलन इन लाइन. ये है मेरी मामूली सी राय इस बात पे. सो देन द क्वेश्चन इज दिस, एंड आई वोंट गो टू कॉमरेड एनी बिकॉज़ आई नो वेयर ही स्टैंड्स ऑफ कोर्स, तो मुझे पता है उसने क्या बोला. आई विल गो टू द मैन इन द मिडिल, दैट्स निखिल सर. ये क्या, वुड इट बी राइट इन सेइंग थोड़ा डबल स्टैंडर्ड्स है यहां पे, क्योंकि बीच में दिल्ली रायट्स भी हुए? इसमें फर्क ये है कि देखिए, वो एक ऐसी चीज थी ना रायट्स जो गरीब के तबके के लोगों पे अफेक्ट पड़ रहा था, देवर टू हाई अप जिनको अफेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है? प्लेयरों को कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा था, वो अपने शीशे के महलों में बैठे थे, ठीक है? अब क्या है, ये चीज ऐसी है जो सब, आप कोई भी स्टार्टअप सोसाइटी में हो, आपको अफेक्ट कर रही है. ये पहली बार ऐसा है कि प्लेयरों को भी डर लग रहा है, वो घरों के अंदर बैठे. तो एक कारण तो ये है. अब मैं एग्जाम्पल लू, जैसे अब भाई कोरोना वायरस
चल रहा है, तो गरीब आदमी ये सोच रहा है ना कि दिन के पैसे कैसे आएंगे। अब जैसे अर्जुन जैसे आप रईस हैं, तो आप अपने रईस घर में बैठे, आपको क्या चिंता है आईपीएल होगा या नहीं वो हम बात करें, लेकिन आपको ये चिंता नहीं है कि कल हम दाल रोटी सब्जी कहाँ से खाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास है। वो गरीब आदमी सोच रहा है दाल रोटी सब्जी, तो हर आदमी वही चीज सोचता है जो उसको अफेक्ट करता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि क्रिकेटर्स को ये निजी तौर पर अफेक्ट कर रहा है, सब डरे, बल्कि ये तो लोग कह रहे हैं अमीरों का यू नो वायरस है, क्योंकि जो जो बाहर घूमते हैं उनको पहले हो रहा है, तो इसलिए वो आकर बिल्कुल तो इसलिए वो आके कह रहे हैं। मुझे लगता है ये बड़ा कारण है कि अभी नहीं सर, डबल स्टैंडर्ड्स और नॉट, मैं तो ये पूछ रहा हूँ सीधी सी बात। डबल स्टैंडर्ड नहीं है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ अब उनको फर्क पड़ रहा है तो वो बोल रहे हैं, क्योंकि आपको अफेक्ट कर रहा है तो सब ट्वीट करेंगे, सब बोलेंगे घर पर रहो, क्योंकि अगर आप घर से बाहर जाओगे, आप वायरस को फैलाओगे तो उनको भी होगा, उनके बच्चों को भी होगा, उनके रिश्तेदारों को होगा, गर्लफ्रेंड को होगा, बीवी को, पैंडेमिक करेक्ट। जबकि रायट्स में उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, रायट्स में तो जो नेता भी रायट्स करा रहे थे उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं ना, लड़ा कौन रायट्स ने, जो गरीब लोग थे वही लड़े। तो वही चीज है, ये ऐसी चीज है जो सबको अफेक्ट करी है, इसलिए सब आ रहे हैं सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। रायट्स को उन्होंने ही करा जिनकी थोड़ी कॉन्शियस थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाया। जिनको फर्क नहीं पड़ा वो अपने फ्लाइट लेते रहे, घूमते रहे, हॉलीडे मनाते रहे, जहां जाना था गए। जनाब सिद्धांत, योर टाइम बिगिंस नाउ। सब कुछ बोल ही दिया यार, मतलब बिल्कुल सही बात सब लोग कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स तो ऑब्वियसली है ही, बट द डबल स्टैंडर्ड्स कम फ्रॉम द प्लेस वेयर व्हाट निखिल इज सेइंग, कि जब तक आपको इफेक्ट नहीं करेगा तब तक मोस्ट पीपल स्पेशली सेलिब्रिटीज आजकल जो हु आर यूजिंग दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ज्यादातर एज मार्केटिंग टूल्स, नॉट एक्चुअली टू एंगेज विद फैंस सो मच, बट वो एक वैल्यूएबल ये रेवेन्यू स्ट्रीम बन गया है ना, आप पोस्ट करेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा या इतने लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, वो डायरेक्ट मतलब कमोडिफिकेशन का उससे है। इसलिए आई वंडर लाइक आई डोंट नो, पता नहीं आप लोग किस किस को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, बट बाय एंड लार्ज लाइक आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ अस विल बी फॉलोइंग टू मेनी एक्सट्रीमली फेमस और एक्सट्रीमली यू नो दोज काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज़ देयर इज नथिंग रियल इन देयर फीड्स प्रीटी मच अपार्ट फ्रॉम ब्रांड एंडोर्समेंट, अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट प्लेसमेंट, ब्रांड एंडोर्समेंट। और वही बात है, अब जैसे कि निखिल ने कहा था, अब इनको इम्पैक्ट पड़ेगा, अब इनके एड फिल्म जो है इनकी शूटिंग बंद है, इनके प्रोजेक्ट बंद है, इनके फिल्म बंद है, इनके मैचेस बंद है। They're not gonna, they have income, but you know, but now when you're not able to go out, और हमें अंदाजा नहीं है कि ये कितने महीनों के लिए सब चीज बंद रहेगा ना। It's only what day two of official lockdown in many places. Yeah. इनकी जो jobs हैं, now they have to, you know, make it known that yes, we have a thought. हम पहले भी कह चुके हैं कि आप लोग क्यों नहीं ट्वीट करते हो, आपके राय क्यों नहीं होते, अब सबके राय आएंगे जरूर, because a lot is dependent on it. Exactly like Nikhil said. बिल्कुल सही बात है, जब हमारी यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे जब लोगों के स्टूडेंट्स के छात्रों के खिलाफ वायलेंस होता है, जो भी कर रहा हो वायलेंस, जिस साइड से भी आ रहा हो उससे मतलब नहीं है। और जो हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, जैसे जेमी वाज सेइंग अर्लियर कि समथिंग इज अ पॉलिटिकल इशू, अदर थिंग्स आर नॉट, आई मीन द फैक्ट इज लाइक यू आर सेइंग कि अगर आपके बच्चे अगर अमेरिका जा रहे हैं या यूरोप बाहर इंग्लैंड जा रहे हैं पढ़ाई करने, तो आपको क्या फर्क पड़ता है पब्लिक एजुकेशन कैसा है हिंदुस्तान में, या स्टूडेंट्स के साथ क्या किस हालात में रह रहे हैं कैंपस पे, कैसे उनके हॉस्टल्स हैं, क्या खाने को मिलता है उनको, क्या मतलब है आपको, आप तो करते बोलेंगे JNU बंद करें या जो भी है। सो दिस इज या इट्स अनफॉर्चुनेट रियलिटी, द गैप वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इन दिस कंट्री पर्टिकुलरली एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ऑफ कोर्स, बट द गैप्स इन दिस कंट्री बिटवीन द पुअर एंड द 1% आर जस्ट सो मैसिव that I mean actually well between some of these guys who are in the 0.1% and even those of us, the rest of us who fortunately have had you know good education and gotten good jobs and are probably in the top 5% of all households in India, which is you know it's something that we can't also distance ourselves from our economic reality. Like Nikhil was saying, we are not worried about agla khana kab se aayega ya jo hamare ghar mein log hai jinko humne वर्क फ्रॉम होम या छुट्टी दी है, जो काम करते हैं हमारे घर में, हम बिल्कुल बिल्कुल उनको हम तनख्वाह देते रहेंगे एक महीना दो महीना तीन महीना, बिकॉज हम दे सकते हैं। बट बाकी जो लोग हैं जो दिहाड़ी पे काम करने वाले हैं, जैसे एक हमारे यहाँ कारपेंटर है जो बेसिकली प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं ना, तो अब
उनका तो जब जैसे काम रुकेगा, प्रोजेक्ट पैसा रुकेगा, वो फिर क्या करेंगे? उनके पास रिजर्व्स तो है नहीं जो चलते रहेंगे. सो दीज आर या लाइक आई मीन इट्स अ फेयर पॉइंट. दिस इज मच बिगर देन स्पोर्ट, बट स्पोर्ट एंड बिकॉज स्पोर्ट इज इनहेरेंटली अ सोशल एक्टिविटी, आप अकेले स्पोर्ट नहीं कर सकते हैं. तो दैट प्रेजेंट्स सम मेजर चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड गेटिंग दैट इंडस्ट्री बैक टुगेदर. आई मीन यू लुक एट द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, राइट, होटल रेस्टोरेंट जो चलाते हैं लोग, कितना जोर शोर से बात कर रहे हैं एसोसिएशन वाले सरकार के पास जा रही है सेइंग पैसा दो, ये करो, वो करो, सेव रेस्टोरेंट्स, ये सब चल रहा है. If you compare the hospitality industry, I mean, it also benefits from the sporting industry massively. You know, all of these IPL teams, when they travel from one place to the other, they have to live in hotels, etc., etc. So it's all part of that wider structure also. And I think maybe some of these top level cricketers and all can start now taking some time to think about their industry, the people who are associated with it. और कैसे जैसे जैसे हम अक्रॉस देख रहे हैं, मैन यूनाइटेड, मैन सिटी, आई थिंक यस्टरडे केम आउट एंड सेड दे आर सपोर्टिंग 1200 फूड बैंक्स, सो दे विल बी गिविंग मनी टू फूड बैंक्स सो दैट पीपल हु डोंट हैव द कैश टू बी एबल टू स्टॉक अप एंड स्टे इन कैन एटलीस्ट गेट फूड टू ईट. सिमिलरली वी सॉ लाइक रूडी गोबेयर, द फ्रेंच बास्केटबॉल प्लेयर हु वाज वन ऑफ द फर्स्ट गाइज हु वाज डायग्नोस्ड विद कोरोना. I think he gave $500,000 to a fund to look after arena employees because arenas will be shut, right? So the probably a couple of thousand people that work in the arena over there, whether it's maintenance staff or whoever it is, they've created a fund to sort of look after, make sure they keep getting their salaries and stuff like that. Because at some point, the capitalists that own a lot of these facilities will stop, will try and, you know, cut down salaries, pay less, say ki bhai ab dekhi jayegi jab khulega tab paise denge, ye sab shuru ho jayega. So especially contract labor ya informal sector jo hai uske liye to bahut bahut hi tough scene hai यार. उस लिहाज से भाई मैं ये नहीं मानता. मैं मतलब जो हमारे जो टॉप स्पोर्ट्स स्टार्स भी हैं, आई थिंक, और अगर आप क्रिकेट की यहाँ पे बात करो, क्योंकि इनवेरिएबली जब आप टॉप स्पोर्ट्स स्टार्स की बात करते हो, क्रिकेट तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं बीच में. आई थिंक देव ऑल्सो डन देयर बिट, एंड इफ यू टॉक अबाउट द बीसीसीआई, देयर ऑल्सो डूइंग देयर बिट एंड टेकिंग केयर ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्मॉलर द पार्ट ऑफ दैट लार्जर इकोसिस्टम एंड हाउ इट ट्रिकल्स डाउन टू देम. नाउ इफ यू आर, आई थिंक दे आर नॉट, इफ यू आर सेइंग दे आर एंड इफ दे आर, आई एम श्योर. And I'm sure they will, like, I think the Cricket Association of Bengal said something about insurance and all of that. And I'm sure that there are things going on, there are associations that are working on it. But I just hope that, I mean, because we have time, because sab log ghar pe baithe hain, to player log bhi soch sakte hain, ab kya karein, next kya hoga. How can we have a positive impact on whatever the situation might be? My only point of this conversation was that if you're not going to come out in support of stuff like JNU and Delhi riots, and it's a subjective call, on you, because you're of course putting yourself out there. Yeah. Then when you do come out in cases like Corona and saying, look, let's all rally together, it just comes across as fake. Of course, man. That's all I'm saying. I mean, we are calling it them comes across as manufactured. Fake, yeah. Of course, वो तो बोल ही रहे हैं. वो ऊपर से फोन आया तो कर रहे हैं. तो इस पॉलिटिकल लाइन लेना कैन बी डेट्रीमेंटल टू देयर करियर. नो वन इन देयर यू नो करियर वुड वॉन्ट टू टेक एनी लाइन, वेदर इट इज प्रो एंटी एनी sort of a party, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिक्स इज मिक्स्ड इन क्रिकेट, मतलब बीसीसीआई हैज ऑलवेज बीन कंट्रोल, तो कोई वो लाइन लेना नहीं चाहेगा. कोरोना के अगेंस्ट बोलना, इट्स नेवर गोइंग टू बी डेट्रिमेंटल टू योर करियर. आपको सब बात ही करेंगे ना, उसकी अच्छी बात है आप किसी को बोल रहे हैं. चलो कल को मान ले, जैसे हमने बात की, ये चीज सबको अफेक्ट करे, कल को कोई ऐसी भी चीज हो जैसे अर्थक्वेक आ गया या कुछ ऐसा आया, कुछ एक ही एरिया में आया और जो क्रिकेटर्स चाहे दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं उनको अफेक्ट नहीं करता, उसके बारे में भी वो ट्वीट करेंगे बिकॉज उससे उनको कोई यू नो थ्रेट नहीं आता उनके करियर को लेके, कोई सवाल नहीं खड़ा करता. लाइक फॉर एग्जांपल, जब जिस समय आई थिंक रायट्स चल रहे थे दिल्ली में, उसके आसपास ही ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स हो रहे थे और सचिन वहां पे क्रिकेट खेलने गए थे. तो मतलब ये सपोर्टिंग कॉजेस तो ऑफ कोर्स वेयर देयर इज
पॉलिटिकल लाइन कई बार कोई करंट प्लेयर नहीं लेना चाहता, क्योंकि इन अ वे अगर आप थोड़ा सा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट ये भी दें, उनका करियर कैन डिपेंड ऑन दैट। हमने ये पहले देखा है, ओके पॉलिटिशियंस के बारे में बोलना, अगर आप बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में भी कुछ बोल देते हो तो आपका करियर थोड़ा थमता जाता है। तो अगर पॉलिटिशियन के बारे में बोलोगे तो आप देख सकते हो धीरे धीरे कहीं गायब भी हो जाए आपका। करंट क्रिकेटर्स क्यों, आप कमेंटेटर्स ही देख ले हमारे जो रिटायर हो गए, उनको कमेंट्री को लेकर इतनी टेंशन होती है, एंड आई डोंट ब्लेम देम, दैट्स अ ब्रेड एंड बटर, कमाएंगे कैसे, आएंगे कैसे, अगर कुछ भी बोल दें तो आप चले जाते हो। ये तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ती है अक्रॉस इंडस्ट्री, ये लेबर का तो ये इशू है ही यार, कि आप अपनी आवाज जैसी उठाएंगे किसी भी मुद्दे पे। एंड ये चीज, सॉरी, ये चीज पता कहां से स्टेम होती है, ये कहां से स्टेम होती है, देखिए ये सिर्फ सोसाइटी का आप हर एक स्टाटा देख लें। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे यहाँ पर इंडिया में, ठीक है, उनकी भी बहुत क्रिटिसिज्म होती है, कुछ हद तक उनकी मीडिया करती है, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आए थे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जस्ट टू शो यू हमारी सोसाइटी कैसी है। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो भी यू नो एक थोड़े से राइट विंग नेता है, उनकी भी उसी तरह की कुछ यू नो हार्ड कोर फैन फॉलोइंग भी है यूएस में, लेकिन फिर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें सीएनएन का रिपोर्टर उनसे सवाल पूछता है, काउंटर क्वेश्चन भी पूछता है, वो बोलता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, वापस बोलता है नहीं आप झूठ बोल रहे हो, चलता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि सीएनएन फिर नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये हो सकता है वो उनको इंटरव्यू ना दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई एक मीडिया हाउस है जो थोड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट है तो ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ सकता है, पहली बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नहीं, हो भी जाए तो उसको अलाउड नहीं होगा एंटर करने के लिए। सो ये कल्चर टॉप से शुरू होता है, तो अगर वहां पे इसको जस्टिफाई किया जाएगा तो हर स्टार्टअप में आएगा, ये फिर क्रिकेट में भी आएगा विच इज मच लोअर पॉलिटिक्स, ये फिर हमारे ऑफिस में भी आएगा जहां पर आप अपने बॉस को कुछ नहीं बोल सकते, अगर आप उसको बोलोगे तो थैंक यू वेरी मच ये आपके पेपर है, तो वो चीज होगी। वो कल्चर, डेमोक्रेटिक कल्चर बहुत कम जगह देखने को मिलता है, एंड बिकॉज इट कम्स फ्रॉम राइट एट द टॉप वो हर जगह नीचे पॉपुलेट होके जाता है। एंड इन आवर इंडस्ट्री एज जर्नलिस्ट और मीडिया पीपल जो भी हो, हम वी ऑल डन different roles over the course of our careers, these things become real challenges because at every stage kya story aap follow kar rahe hain, kahan kaun publish karega us story ko, kaun nahi karega, kitni stories dabai jati hain, these are very real things and they affect us pretty directly all the time. So yeah, it's not even something that we're talking about from a removed perspective. I'm sure hum sabke sath hua hai kabhi na kabhi ki kisi editor ke sath लड़ाई की वो हमने किया कोई स्टोरी। हाँ, पर मैंने ऐसे एडिटर्स के साथ रहा हूँ जो जिनके साथ मैंने लड़ाई करी है, डिसएग्रीमेंट भी किया है, बहुत जोर की लड़ाई हुई है, बट दे हैव स्टिल बीन मैग्नानिमस इनफ टू कम बैक एंड लेटर टेल यू कि ठीक है यार हमने लड़ाई हुई बट आई थिंक यू हैव अ पॉइंट, चलो नहीं करते ये स्टोरी या ये करते हैं। वो एक सेटअप भी जरूरी है जिसमें यू कैन अग्री डिसएग्री, कई बार वी ऑल्सो गॉन बैक की नहीं हाँ लड़ाई हुई फिर भी गुस्से में आके भी स्टोरी की बिकॉज समवेयर यू रियलाइज कि नहीं एडिटर है वो सच ही सोच रहा होगा उसने, तो ये थोड़ा सा पुश एंड पुल होता है, इट इज अ सेटअप। बट कई जगह आपने देखा है, बल्कि मैं बोलूंगा मेजोरिटी ऐसी जगह है, और हम तो मीडिया की बात करें ना, फिर भी थोड़ा डेमोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ अ सेटअप है, चाहे आप कोई भी मीडिया हाउस में देखें, अगर आप किसी आईटी फर्म में काम कर रहे हैं या कहीं, तो यहाँ आप वो सवाल भी नहीं कर सकते। मैं एग्जाम्पल दूंगा, मैं जो मेरे एक और ग्रुप है मोटरबाइक का राइडर्स का, उसमें कुछ लोग हैं जो एचसीएल में काम करते हैं, आज सब जगह बंद है, पर उनको उनके मैनेजर ने कहा आप आएंगे ऑफिस, तो उन्होंने कहा हम क्यों सब जगह बंद, उन्होंने बोला नहीं ये भी एसेंशियल है, वन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी है, आईटी को चलना है, तो बाय हुक और बाय क्रूक यू हैव टू कम, तो आपको आना है। तो ऐसे भी सेटअप है, मतलब उतने डेमोक्रेटिक नहीं है बाहर मीडिया के, बाहर मीडिया में तो फिर भी हम अपने बॉसेस से लड़ जाते हैं, चाहे आपका कोई भी आप नए इंटर्न भी हो तो आप लड़ जाते हैं एडिटर इन चीफ के साथ कि नहीं करूंगा ये स्टोरी, बाहर ऐसा नहीं हो बिल्कुल। जनाब जनाब जनाब, वैसे आपने यहाँ पे डेमोक्रेटिकली स्पीकिंग की यहाँ पे बात करी और कॉमेंटेटर्स की यहाँ पे बात करी, तो सिंस वी ऑल गॉटन टुगेदर, एक और आखिरी मुद्दा है जो मैं सर बात करना चाहूंगा क्योंकि लाइट जा रही है, तो जल्दी जल्दी उसको भी टच अप ऑन कर देते हैं। संजय मंजरेकर गेटिंग ड्रॉप्ड फ्रॉम बीसीसीआईज लिस्ट ऑफ कमेंटेटर्स, जेमी सिंस आई विल आस्क यू ओनली मैन, सब्जेक्टिवली व्हाट डिड यू मेक ऑफ संजय'स कमेंट्री? Is commentary in general or something which would have led to his ouster? Subjectively. So when Jamie Alter was watching a cricket game, like I've got a lot of friends who I remember during the World Cup, mera ek dost tha, main uske ghar ja raha tha,
he was so against Sanjay Manjrekar's commentary. I'm not saying Sanjay is a bad guy. We've all met him. We've all worked with him. But to kya kar raha tha ki when Sanjay was doing Hindi commentary, he was shifting to English. As soon as Sanjay would come to English, he'd say, yaar, yahan pe bhi aa gaya, then he's going back to Hindi. So you have those kind of polarizing opinions, but that's his own subjective opinion. बिल्कुल मैं आपकी सवाल समझ गया. देखिए संजय मांजरेकर जैसे आपने कहा जिन लोग उन्हें थोड़ा जानते हैं थोड़े उनको पता है कि he speaks his mind. अब क्या हुआ कहीं ना कहीं शायद वो जो ये मेरा मानना है कुछ पिछले 4-5 साल में उनके जो एक ढंग है बोलने का ऑन एयर उनमें काफी क्लीशेज आ गए हैं. ठीक है और इसे मेरा बेटा भी आ गया ये बिल्कुल से एक क्लीशे नहीं है. पर हाँ आई सी समवेयर हिज कमेंट्री हैज बिकम जेडेड. और पर्सनली वो रविंद्र जडेजा वाला जो मुद्दा था वो काफी मेरे ख्याल से इन पोर टेस्ट था वो. ऑल सेड एंड डन यस आई अंडरस्टैंड यू कैन हैव योर ओपिनियन पर जो 2-3 बार जो हुआ ये कहीं ना कहीं वहां से इम्पैक्ट आया है. बट एज फार एज सोशल मीडिया एंड द अमाउंट ऑफ ट्रैश ही गेट्स एंड ट्रोलिंग ही गेट्स उनको तो छोड़ दो. क्या था वो गाना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना. आई वुड नॉट लुक इनटू दैट. बट वेदर दैट इज द रीजन व्हाई ही लॉस्ट हिज बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट ये वो तो नहीं है. इसका राज मेरे ख्याल से ये कुछ और है. प्रोबब्ली रब्ड अ फ्यू पीपल द रॉन्ग वे इन द कमेंट्री बॉक्स एंड आउटसाइडर. बट मे बी दैट्स अ शो फॉर अ डिफरेंट डे. I think the last one, Nikhil, I think yeah, the last one was like, when he had his exchange with Harsha on air, when he had his exchange with Harsha, and I think that's probably on the BCCI boss's side, because exchange to aapka ho gaya on air, it's not really impacting your game or the commentary of the game, but then the chatter that follows post that is not really about the game, but it's about that spat, and it continues over the next couple of days. Mere khayal se that was the last straw, I think at least from a BCCI perspective. नहीं मुझे पहली बात नहीं लगता दैट ही लॉस्ट हिज बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ दैट स्पैट और रविंद्र जडेजा. नो आई एम नॉट सेइंग दैट एक्चुअली द लास्ट स्ट्रॉ. नहीं वो उसका कोई रिलेशन ही नहीं है. मतलब आई डोंट थिंक दैट इज एनीवे रिलेटेड टू इट. बट दैट्स एनीवे दैट्स स्पेक्युलेटिव. तो मैं मेरा एक ओपिनियन है वो है वो तो स्पेक्युलेटिव है कोई ओपिनियन तो नहीं. बट गोइंग बैक टू संजय'स कॉमेंट्री सी अगेन कॉमेंट्री इज सब्जेक्टिव. कोई ऐसा कॉमेंटेटर नहीं जिसको सब लोग पसंद करते हैं. ठीक है सबको कोई ना कोई पसंद आता है किसी को पसंद नहीं आता. बाय आई वुड नॉट बी अगेंस्ट यू नो संजय को निकालना नहीं चाहिए. मुझे ऐसा क्यों लगता है क्योंकि हर एक आदमी एक अलग वॉइस लेके आता है. ठीक है संजय अपना एक अलग कैरेक्टर लेके आते हैं. आई कॉल हिम अ कंट्रेरियन. ही लव्स टू टेक द कंट्रेरियन पोजिशन. ठीक है कि आप कह रहे हैं सफेद है ही विल से ब्लैक है एंड ही विल ट्राई एंड जस्टिफाई वो ब्लैक क्यों है नॉट विदाउट रीजन. ठीक है वो उनका एक पोजिशन है. बट आप उनका पूरी लाइफ देखे उनका करियर देखे ना तो वन थिंग यू कैनॉट अक्यूज हिम ऑफ इज डबल स्टैंडर्ड. वो हमेशा से कॉन्ट्रेरियन रहे वो कभी घबराए नहीं है. जहां बड़े बड़े प्लेयर्स भी घबरा चुके हैं वो नहीं घबराए. सचिन तेंदुलकर जब पीक पर थे कोई थोड़ा फॉर्म में नहीं थे लोग क्रिटिस नहीं कुछ लिख पाते थे. ही वाज वन ऑफ द गाइस जो लिखते थे कमेंट्री में जो चीज होता है वो बोलते हैं चाहे वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे. दैट इज अ क्वालिटी विच इज मिसिंग इन अ लॉट ऑफ कॉमेंटेटर. अगर वो ये चीज लेकर आते हैं तो अच्छी बात है ना. आप सब कॉमेंटेटर्स एक जैसे थोड़ी जाते हैं. कोई अच्छा है जो गेम को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करता है वो हर्षा भोगले है. ठीक है कोई एक है जो चीजों पर सवाल उठा खड़ा करता है वो है संजय मांजरेकर. कोई है जो आपको कहानियां सुनाता है वो है सुनील गावस्कर. तो आपको हर तरह का एक शख्स चाहिए. तो मुझे लगता है संजय मांजरेकर की वहां जगह है. दूसरी बात उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करूं अगर आप लोगों ने उनकी किताब नहीं पढ़ी. मैंने पढ़ी है वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेट बुक्स इन परफेक्ट पीछे पढ़ी है. अगर आप उस पूरी किताब को पढ़े उसमें कॉमन थीम क्या है वो सिर्फ दुनिया को क्रिटिसाइज नहीं करते वो अपने आप को भी करते हैं. ही इज जस्ट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. सबसे ज्यादा वो अपनी किताब में अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं अपने बिहेवियर को. कितने रूड होते थे एज अ मुंबई कैप्टन. कैसे लोगों से ठीक से पेश नहीं आते थे. कितने जगह उन्होंने लड़ाइयां करी. और वो बोलते हैं मैं उन चीजों को रिग्रेट करता हूं. इवन हर्षाज इंसिडेंट ही लेटर गोज एंड सेज नहीं आई स्टेप्ड आउट ऑफ माय लाइन. रविंद्र जडेजा सिंह ही वेंट लेटर एंड डिड एन इंटरव्यू सेइंग नहीं यू नो आई वाजंट करेक्ट इन माय असेसमेंट ऑफ दैट गाय. तो भाई आप है आपको जो लगता है ही कॉल्स इफ ही मेक्स अ मिस्टेक ही इज मैन इनफ टू कम आउट एंड से मैंने हाँ ये गलती करी विच इज अ क्वालिटी इन हिम. सो एक वो अलग तरह के शख्स है. मैं चाहूंगा हर तरह का शख्स कमेंट्री में होना चाहिए एंड ही हैज अ प्लेस टू. सर मेरा अगर आप सब्जेक्टिवली पूछो. हाँ जी भाई आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कमेंटेटर है यार तो अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे. आप कॉमेंट्री करें उसको आप ट्वीट मत करिए बाद में. दिस इज वेयर यू एंड अप लूजिंग योर फेस वैल्यू. बट भाई जेबी कमेंट्री कैन कम इन एनी फॉर्मेट मैन. इफ लाइक ट्विटर पीपल डोंट हैव टाइम टू रीड फॉर एग्जांपल दीस डेज एंड दे फाइंड दैट 140 कैरेक्टर्स और हाउएवर मेनी कैरेक्टर्स इट इज दीस डेज इज ऑल दैट दे कैन कंज्यूम
कंप्यूटर हम भी तो कमेंट्री कर रहे हैं यहाँ, हाँ कमेंट्री ही तो है ये, ज्ञान ज्ञान ही पेल रहे हैं और क्या करना है। दूसरा दूसरा तो कमेंटेटर है तो, एंड लाइक निखिल इज सेइंग एग्जैक्टली, यू गॉट टू हैव वेरियस कैरेक्टर्स, अदरवाइज क्यों सुनेगा कोई यार, मजा क्या रहेगा फिर। या दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट खो चुके हैं अब संजय मांझी का, तो क्यों ना हम 575 ounces पर उनको लेके आए जनाब, वाईफाई की यहां पे हमारी कनेक्शन बन गई है संजय मांझरेकर। बताइए सर, बताइए। नहीं जवाब नहीं, मैं रहने दे, जवाब जवाब तो फिगर आउट कर ही लेंगे। नहीं मैं मैं बट एटलीस्ट वंस इन अ व्हाइल उनसे पूछना चाहिए कि गेस्ट के तौर पे थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यूज लेके आए यहां भी। The point only I was trying to make was that subjectively, even I have always really enjoyed his commentary, right? And for the very reason that Nikhil is putting out there, that he's always taking a stance and consistently he's taken a stance. Ye nahi ki matlab jab mere ko suit kiya, maine stance liya, aur jab nahi mere ko suit kiya. You may agree or disagree with him. Haan, disagree, wo aapki raaye hai. But I'm just saying from a organization perspective, and that is the BCCI, ki agar main bhi koi organization mein kaam kar raha hoon aur main regularly spats kar raha hoon, and that spat is being multiplied courtesy of what I am doing, वो कहेंगे चलो एक बार इसने बोल दिया, पर उसने बोल दिया जी मेरी गलती है, ठीक है, दूसरी बारी भी कर दिया, फिर बोल दिया इसकी मेरी गलती है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन वाला आदमी है वो कहेगा भाई क्या है ये, कि मतलब पहले जाके बंदूक से गोली मारो, गोली मारने के बोलो हाँ जी सॉरी सर मैंने यहाँ पे कत्ल कर दिया है तो अब मैं नहीं करना चाहता, तो उनकी भी वो सोच है, ये कंपैरिजन गलत है, किसी को कुछ नहीं, तो जडेजा को अगर उसने कह दिया बिट्स एंड पीसेस क्रिकेट है तो कमेंटेटर है ना, वो कह रहा है उसको क्या बड़ी बात हो गई। अगर उसने हर्षा भोंसले को कह दिया कि भाई नहीं तुमको नहीं पता पिंक बॉल, तुम ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, हम जो खेले टेस्ट क्रिकेट हम ऑब्सेस्ड नहीं है, मुझे इतना फर्क जस्ट इन ओपिनियन इज नॉट पिंक, आई अग्री विद यू दैट ही वॉज यू नो स्टेपिंग अबव हिज लाइन इन दैट सेंस, जैसे उन्होंने हर्षा को सर्व किया वो गलत था, बट अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि वो ओपिनियन है, उन्होंने कोई ऐसा कत्ल नहीं किया। और अगर आप ऐसे जाए ना कमेंट्री में बहुत ऐसे लड़ाइयां हुई हैं, किसी ने प्लेयर को क्रिटिसाइज किया है, काफी कुछ हुआ है, बट हर चीज आप याद करें प्लेयर क्रिटिसिज्म से नहीं जाता। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये सब चीजों का कुछ फर्क नहीं पड़ा है, अगर वो एक और चीज में पंगे ना लेते कुछ वो जिसमें वो बीसीसीआई के अध्यक्ष को टारगेट ना करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। वो ही एक बहुत अहम मुद्दा है, बाकी प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करना ये वो हम सब यहाँ पर तिकड़म लगा रहे हैं, पूरी स्पेक्युलेट कर रहे हैं, बट डोंट थिंक एनी ऑफ इट इज रिलेटेड फॉर हिम लूजिंग हिज बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट। अगर वैसा होता तो जैसे संजय मांझरेकर है वो काफी पहले लूज कर चुके होते हैं अपना बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट, वो सचिन तेंदुलकर तक को क्रिटिसाइज करते हैं, बट जब तब नहीं गए अब गए हैं तो कुछ और ही है उसके पीछे। आई थिंक और जो बीसीसीआई अध्यक्ष जो है उनका जो ट्विटर पे रिस्पॉन्स जो था भी, which compared Sanjay Manjrekar's batting in his commentary and something about how useless both were or whatever, something like that. Naam hai na, aisa hi naam to liya nahi kisi ka, but ha message received. Nahin, nahin, it was Saurav Ganguly man who said it before he became president. It was last June during the World Cup. Yeah, naam bina bagair naam liye tha, direct tha, I think. His commentary he had written, but to be fair, that was in response to a tweet by Sanjay Manjrekar, in which also Sanjay did not take the name. He said, you know, the best thing about doing commentary with him is that you don't have to talk or something to that extent. It's pretty petty. Basically, it's this bunch of boys and their egos just getting in the way of each other. Like you guys could say the same thing कि मतलब पंडित के साथ शो करें तो खुद ही भौंकते रहता है यहाँ पे कि आप ये देखो यार ऐसे कहते हैं प्लानिंग शो शुरू शुरू किया लाइट से अब मैं वही कह रहा हूँ लाइट चले गई लाइक द फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स राइट नाउ ये सब थोड़ा अंधेरा हो रहा है अंधेरा मी बी यू देख हाँ फेड टू ब्लैक नेचुरली गाइस आई थिंक इट्स अच्छी अच्छी बात है कि हमने हफ्ते में दो तीन बार हमें ऐसी बात करनी चाहिए। हाँ जी जनाब, जाते जाते आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, प्लीज न्यूज क्लिक स्पोर्ट्स इज आवर इंस्टाग्राम पेज फॉर ऑल योर अपडेट्स ऑन 420 ग्राम्स 575 ounces एंड एनीथिंग एल्स अराउंड द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। आप लोग प्लीज ज्वाइन करिए, निखिल नास, जेमी ऑल्टर, प्लीज अपने भक्तों को बोलिए कि न्यूज क्लिक स्पोर्ट्स को फॉलो करें एंड टू ग्रो आवर फैमिली, एंड एज ऑलवेज द प्लान इज टू ब्रिंग यू एटलीस्ट वन और टू चैट्स पर वीक, बिकॉज अभी कुछ लाइव स्पोर्ट्स चल रहा है नहीं और हमें भौंकने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, तो नो हम कभी ना कभी मिलेंगे। भोगते गए आप, स्टे सेफ, स्टे सेफ। आवाज है आपकी, प्यार से बोलते हैं, अच्छी बात है, क्यों नहीं सर, मैं भाव भाव कर रहा हूँ, मेरी तो लाइटें चले गई हैं, भगवान ने बंद कर दी मेरी लाइटें, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय हैशटैग डॉग्स ऑफ इंस्टाग्राम। ठीक है जी गाइस, नाइस चैटिंग यार, एंड होपफुली वी विल कैच अप इन अ फ्यू डेज, टेक केयर, स्टे सेफ गाइस, बाय बाय, बाय बाय, बिल्कुल।
Thank you.